फौजी सिर्फ वो नहीं होता जो हाथ में बंदूक पकड़ के सरहद पे जाके गोलियां चलावे भाई जी, फौजी सिर्फ वो भी नहीं होता जो सिर्फ आतंकवादियों से लड़े। अरे फौजी ये भी होता है, जरा देखो, जिसे उसके माँ बाप बड़ी हिम्मत से, बड़े हौसले से, बड़े प्यार से, बड़ी वीरता से पालते हैं और संस्कार दे के कहते हैं जा बेटा फौज में चला जा, वो होता है सच्चा फौजी। और वो सच्चा हिंदुस्तानी फौजी होता है जो बाढ़ में, भूकंप में, बिल्डिंगों के गिर जाने पर, समाज में किसी तरह की आपदा आ जाने पर, लोगों को, फंसे हुए लोगों को निकालने पर, किसी के माँ बहन बेटी को अपना समझ के उसकी रक्षा करने वाले, वो होता है हिंदुस्तानी फौजी। अब हिंदुस्तानी फौजी की कहानी सुनाता हूं, दिल खुश हो जाएगा आपका। ये कहानी है उस हवाई यात्रा की जिसमें मैं 2 घंटे के लिए उड़ान भरने के लिए बैठा था। एक अच्छी किताब पढ़ना, 1 घंटे की नींद लेना, ये वो चीजें हैं जो मैं आमतौर पर दिल्ली की अपनी यात्रा में करता हूं। टेक ऑफ से ठीक पहले 10 सैनिक आए और मेरे आसपास की सीटों पर बैठ गए, सभी सीटें भर चुकी थीं। मैंने अपने बगल पर बैठे सिपाही से, यानी सैनिक से, बातचीत करना शुरू किया। कहाँ जा रहे हैं? बोले आगरा सर, 2 सप्ताह के लिए वहां एक प्रशिक्षण में भाग लेंगे, फिर हमें ऑपरेशन के लिए भेजा जाएगा। 1 घंटा बीत गया, घोषणा हुई कि जो यात्री चाहें वो पैसे देकर लंच ले सकते हैं या खाना पीना ले सकते हैं। जब मैं पर्स निकालने और अपना लंच बुक करने की सोच रहा था, क्या आप भी लंच करेंगे, मैंने सैनिक से पूछा। बोला नहीं सर, प्लेन में दोपहर का भोजन महंगा है, दिल्ली में विमान से उतर कर रास्ते में किसी ढाबे पर हम खाना वाना खा लेंगे। ठीक है, अन्य सैनिकों ने भी सहमति व्यक्त कर दी। मैं फ्लाइट अटेंडेंट के पास गया और उसे जब सभी सैनिकों के दोपहर के भोजन के लिए पैसे दिए तो मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। उस अटेंडेंट ने कहा, मेरा छोटा भाई करगिल में है सर, ऐसा लगता है कि आपने उसे ही खाना खिला दिया। आधे घंटे में सबके लिए लंच बॉक्स आ गए। मैंने खाना खत्म किया और प्लेन के पीछे वाले वॉशरूम जा रहा था, पीछे से सीट पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला कि बेटा मैंने सब देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको धन्यवाद। उसने मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि वो भी उस अच्छे काम में हिस्सा लेना चाहता और उसने मेरे हाथ में 500 रुपये रख दिए। इसी तरह से किसी ने 1000, किसी ने 2000, हर कोई इस मोहब्बत का हिस्सा बनना चाहता था। जब हमारा सफर पूरा होने वाला था, यात्रियों ने तालियां बजाकर उन सैनिकों का स्वागत किया। जब मैं नीचे उतरा तो मुझे उन 10 सैनिकों से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और मेरे पास जितने भी लोगों ने पैसे दिए थे वो मैंने उनको दिए कि रास्ते में आपके काम आएंगे, वो बिल्कुल नहीं ले रहे थे। मैंने कहा ये मेरे नहीं है, ये तो लोगों की मोहब्बत है आपके लिए। इस हिंदुस्तान में जिन भी माता पिता ने ऐसे बच्चे जन्मे और उन्हें फौज में भेजा, उन फौजियों को नहीं बल्कि मैं उन माता पिता को भी नमन करता हूं। वंदे हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद।